वाह पापा मेरे को इसका हाथ लगाना है। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल रॉयल खुशी भाई साहब। हेलो गाइस, तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद हमारा एक और व्लॉग आने वाला है। तो आज हम जा रहे हैं श्री बाबूजी राठौड़ के मंदिर में उनके दर्शन करने, तो आप सभी को भी हम उनके दर्शन कराएंगे। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं तो हम जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहना और व्लॉग को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस ये आप देख रहे हैं, ये रौनक श्री भवेंद्र जितेंद्र सिंह जो अलवर के पूर्व राजा और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी की शादी है। चलो पापा मेरे को इसका हाथ लगाना है। हाँ चलाओ 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 सरस डेरी, पूरे राजस्थान में सरस डेरी यहीं से निकलती है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबूजी महाराज के मंदिर में। हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाबूजी महाराज के मंदिर में। तो ये इनके बाहर का हिस्सा है, देख लीजिए। अब अपन अंदर चलेंगे, अंदर दिखाएंगे बाबूजी महाराज की भी बड़ी सारी मूर्ति है। तो गाइस ये देखिए इनके बाहर का हिस्सा पूरा। तो गाइस इनके बाहर सीमेंट से इनकी दीवार पे वो भी बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। और आपको भी अंदर लेके चलते हैं। देखिए गाइस इनका बाहर का हिस्सा है, बाहर के सड़क है बाबूजी महाराज। तो गाइस बाहर शिवलिंग भी है, छोटा मंदिर बना रखा है और ये बारियों के देवता है श्री हरमल जी। इन्होंने बाबूजी महाराज को श्रीलंका से ऊँट लाकर भेंट किया था और ये ऊँटों से प्रसन्न रहते हैं, तो इसीलिए बाबूजी महाराज को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। तो गाइस ये बाबूजी महाराज के मंदिर के अंदर का हिस्सा है जिसमें दीवारों पर बाबूजी महाराज के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो गाइस आज मंगलवार था इसलिए आज बाबूजी महाराज के मंदिर में भीड़ नहीं है, क्योंकि इनका मेन डे होता है संडे को। संडे को सभी आते हैं और महाराज भी संडे को, हर संडे को आते हैं इसलिए। और संडे को इतनी गाइस इतनी भीड़ होती है, यहाँ पे लोगों के पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। हाँ तो गाइस आप देख सकते हैं जो 3 मूर्ति है
जो है तो बीच वाली है वो श्री पापाजी महाराज की है, जो उनकी पहले जब पहले स्थापना उनकी फर्स्ट टाइम जबकि मूर्ति है श्री पापाजी महाराज की पहली मूर्ति। उनके जस्ट बगल में दूसरी जो बड़ी मूर्ति है घोड़े पे, ये भी पापाजी महाराज की है जो अभी बनाई गई है। और जो आप साधु के बेस में दिखाई दे रही जो मूर्ति वो उनके भतीजे की है रूपनाथ जी महाराज की। ये श्री पापाजी राठौर का मंदिर है जो राजस्थान के लोग देवता माने जाते हैं। ये उनका जन्म जोधपुर में हुआ था और जोधपुर के राठौर वंश के राजपूत हैं। श्री पापाजी राठौर जोधपुर के शासक थे। जय श्री पापाजी राठौर। तो गाइस ये था पापाजी महाराज का अलौकिक दृश्य जो आज आपको हमने हमारे ब्लॉग में दिखाया। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा ज़रूर बताना। तो गाइस ये है श्री पापाजी राठौर का भव्य मंदिर। हाँ तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।